ये देखिए दोस्तों, ये 32 इंच का जो सिंगल कोफ का पैनल है, जिसमें ये की ऐसी लगाता है, देखिए SM4186 नंबर इसमें आप देख पा रहे हैं देखिए। और ये पैनल काफ़ी एक प्रॉब्लम में काफ़ी आता है, ये कि इसमें एक बार हल्के से स्प्राई बनेंगी और चली जाएगी। काफ़ी आपने पैनल रिपेयर भी किए होंगे, और ये देखिए आज यही फॉल्ट हमारे पास आया है कि इसमें स्प्राई बन के एक बार ड्रॉप हो जाती है। और इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इसको प्रोसेस है, आज इसके बारे में टोटली डिटेल आपको देने वाले हैं। काफ़ी हमने पैनल बनाए हैं, काफ़ी इसके बारे में नॉलेज हमको हो चुका है, और हमारी इच्छा किया वो नॉलेज आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आपको इस तरह के फॉल्ट में ज़्यादा टाइम ना लगे, उसको आप आसानी से बना सकें। सबसे पहले हम फॉल्ट को देख लेते हैं, इसको स्टैंड पर सीरीज कर लेते हैं। देखिए सेट ऑन है, और ये देखिए आप देख पा रहे हैं, देखिए बैकलाइट्स ऑन है, डिस्प्ले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेम टू सेम प्रॉब्लम आपको इस तरह के सेट में काफ़ी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि फॉल्ट किस चीज़ का है। पहले मैं बता दूं कि ये फॉल्ट है पैनल की शॉर्टिंग का, वो शॉर्टिंग ग्लास के अंदर भी हो सकती है गेट लाइंस की, और हो सकता है कि कोई भी पीएफ, जैसे कि यहाँ पर हमारा सप्लाई बनेगा VGH बनेगा, यहाँ पर जो तीन पीएफ लगे हैं, यहाँ पर VGL बनेगा, AVDD बनेगा, VCOM बनेगा, मतलब सभी सप्लाई जहाँ पर सप्लाई बनेगी मेन 5 से 6 वोल्ट, जो 5 से 6 सप्लाई है हमारी पैनल की। सबसे पहले आपको शॉर्टिंग देखना है, पहली बात है कि वीडियो देखते ही आप सीधा कटिंग की तरफ ना जाइए, क्योंकि कटिंग आप करोगे उसको दोबारा लगाना पड़ेगा, फॉल्ट बाद में कुछ और निकलेगा, आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। आपका टाइम बचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको सप्लाई देखनी है, 12 वोल्ट यहाँ पर पहुँच रहा है IC तक। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर सबसे हैवी वोल्टेज AVDD है, क्या वो बनकर ड्रॉप हो रहा है। यदि बनकर ड्रॉप हो रहा है तो समझाइए यहाँ पर कोई शॉर्टिंग। सबसे पहले शॉर्टिंग आपको कोफे नहीं देखनी, ग्लास की तरफ नहीं जाना। सबसे पहले शॉर्टिंग के लिए आपको यहाँ पर जो भी पीएफ हमारी 5 सप्लाई में AVDD हो गया, VCOM हो गया, या VGH VGL, यहाँ पर कोई भी पीएफ शॉर्ट होने से भी हमारा सेम टू सेम फॉल्ट हमको देखने को मिलेगा, और आगे हमको पैनल में कोई भी सप्लाई यहाँ पर नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको देखनी है कि पीएफ वगैरह शॉर्ट तो नहीं, जितने भी बड़े पीएफ हैं हमारे IC के नज़दीक लगे हैं मेन सप्लाई में, सबको चेक करना है। एक क्वांटिटी देखनी है, फुली शॉर्ट मिलेगा यदि फॉल्ट होगा। हमने पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया है इसी तरह के पैनल पर, उसमें पीएफ शॉर्ट था, हमने कोई भी कटिंग मेथड इसको यूज़ नहीं किया था, हमारा पैनल बन गया था। वो थोड़ा सा मैंने डिटेल कलेक्ट किया इस पर कि इसमें कोई सभी सप्लाई बन के ड्रॉप कर रही है, मतलब शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग कहाँ पर है उसके लिए मैंने पहले पीएफ चेक किए हर एक, तो पीएफ में ऑलरेडी वर्क कर चुके, पीएफ में कोई शॉर्ट नहीं है। तो शॉर्टिंग है इसके ग्लास के अंदर, और ग्लास में कैसे इसका कटिंग करना है। कई बार क्या करते हैं, हम जितने भी गेट लाइंस यहाँ पर दिए हैं उसके मटेरियल दूंगा कि सभी कट कर देते हैं, उसको लगाना काफ़ी मुश्किल होता है और क्लियर नहीं होता कि शॉर्टिंग लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, कौन सी साइड कट करना है। ऐसी कटिंग हम आपको बताने वाले हैं आज कि आपका टाइम कम से कम लगे, और सिर्फ एक या दो ही आप गेट लाइंस कट करें, जिससे आपका पैनल आसानी से बन जाए, उसको लगाने भी आसान रहे। पहले जानकारी मैं दे रहा हूँ, अभी देखिए पहले आप देखिए किधर कोई सी साइड भी है, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हमने कुछ भी कटिंग नहीं किया, क्योंकि पहले कट कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो जो ये यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट दे रखे हैं गेट लाइन से, पहले राइट साइड की बात कर लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 नीचे है। तो ये जो नंबर है, जो टेस्टिंग पॉइंट है, इनके नंबर यहाँ पर मेंशन है कोने में। ये देखिए 1 2 3 4 5 क्लियर कर लेते हैं पिक्चर, ये देखिए, और नीचे 6 हैं, तो 6 के नंबर यहाँ पर मेंशन है 1 2 3 4 5 6। तो मान लो हमको जो शॉर्टिंग ज़्यादातर देखने को मिलती है इस पैनल में, तो मिलती है CKB B1 में, ज़्यादा शॉर्टिंग हमको काफ़ी टाइम मिलने देखने को मिली है, क्योंकि हम 3 से 4 पॉइंट कट करते हैं और बाकी लगा भी देंगे। यदि एक ही पॉइंट छोड़ देंगे तब भी हमारा पैनल ओके चल जाता है, तो हम इतने पॉइंट क्यों कट करें। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, देखिए जो पैनल्स में गेट लाइन शॉर्ट होती हैं वो 4 पॉइंट हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं ये देखिए, पहला छोड़ दो, CKB
V1 से स्टार्ट होता है, सी के वी V1, सी के वी V2, सी के वी B1 और सी के वी B2। ध्यान दीजिए, 1, 2, 3 और 4, ये देखिए सी के वी वन, सी के वी B1, VB1 और सी के वी टू और सी के वी B2। चार पॉइंट में सेटिंग हमको देखने को मिलेगी, चारों पॉइंट कट करो तब भी हमारा पैनल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैंने जब मैंने चारों कट करके दोबारा से लगा के देखा तो हमने देखा कि ज़्यादातर पैनल में सी के वी B1 ही शॉर्ट मिलता है, तो क्यों ना हम इस अकेले प्रिंट को कट करके देखें। तो हम इसको कट करेंगे आज, तो देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है, 1, 2, 3 नंबर और इधर से 4 नंबर नीचे वाली लाइन में। आ जाइए इधर देखिए, 1, 2, 3, 4 और इधर से 1, 2, 3, मतलब ये पॉइंट हम यदि इस पॉइंट को अकेले को 1, 2, 3 नंबर वाले इसको देखिए, जो हमने निशान लगाया देखिए, इस टेस्ट पॉइंट का अकेला कट करेंगे तो भी हमारा पैनल बनना चाहिए। ज़्यादातर मोस्टली हमने चेक किया ये ही अकेला सी के वी B1 शॉर्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है 3 नंबर, यहाँ से मैं 1, 2, 3 यहाँ से करो, 4 नंबर है, 1, 2, 3 और 4, ये नंबर जो 4 नंबर है एक ही पॉइंट हमको कट करना है जिससे हमारा पैनल बन जाए। मान लो ये इधर वाली साइड, ये कट करने से पैनल में हमारा फॉल्ट नहीं निकलता, तो हमको क्या करना है, यही पैनल का नंबर जो सी के वी B1 है इस साइड में खोजना है। उसको कैसे खोजेंगे वो आगे मैं बताऊँगा, पहले इस पर वर्क करते हैं। आपको क्या करना है, इसको आपको एक बार क्लियर कर लेना है, घिस लेना है इसको अच्छे से, और उसको जब आप मीटर से चेक करोगे, यहाँ से मीटर लगाकर यहाँ से चेक करोगे, तो क्वांटिटी फुली मिलेगी। जितने भी टेस्टिंग पॉइंट यहाँ से इनपुट हुए हैं उधर वाले सेम टू सेम इनपुट, वो सेम टू सेम जो हमारे गेटर से वहाँ से भी जाएंगे। आप मीटर से चेक करोगे तो आपको एक में क्वांटिटी मिलेगी और आप उसको काउंट कर सकते हैं यहाँ पर नंबर देख कर। तो पहले मैं सी के वी B1 को यहाँ पर कट करके देखता हूँ क्या हमारा फॉल्ट निकलता है, और सी के वी B1 कहाँ पर इधर कौन सी साइड में है, कौन से नंबर पे, वो भी आपको मीटर से मैं चेक करवाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर एक बार कट कर लेता हूँ जिससे हमारा फॉल्ट निकल पाए, और उसके बाद मैं आपको आगे डिटेल दूंगा। ये देखिए दोस्तों, हमने सिर्फ एक ही पॉइंट को कट किया है यहाँ से 3 नंबर, ये देखिए यहाँ पर ये वाला, और एक ध्यान रखना है कि ये होल है इसके नीचे कट करना है, क्योंकि यहाँ से गेट लाइन हमारी इनपुट हो रही है और इधर कॉफ में जा रही है, तो हमको ऊपर से कट करें तो सीधा ये इनपुट होती रहेगी, मतलब कटेगा नहीं, तो आपको कॉफ में और यहाँ पर होल के बीच में से कट करना है। और हमने यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक से देखिए यहाँ पर कट कर दिया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, ये देखिए सिर्फ एक ही कट किया है हमने, ये देखिए यहाँ से कफ के और होल के बीच में से। और मैं आपको एक बार सप्लाई भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से हमको अनुमान लगाना कि किस तरह से वो ड्रॉप होती है। यहाँ पर जब आप हैवी सप्लाई को ही ध्यान रखना है, VGH को मान लो यहाँ पर VGH आएगी तो वो अच्छे से काउंट होगी कि किस तरह से वो आगे एक बार चल जाती है। दोनों ही केस में यदि PF शॉर्ट होगा तब भी और गेट लाइन शॉर्ट होगा तब भी ऐसा ही हमको देखने को मिलेगा। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ऑन हो गया, देखिए मीटर की तरफ देखिए आप, ये देखिए सिर्फ 2-3 वोल्ट या 5 वोल्ट तक आएंगे, 2 से 5 वोल्ट के बीच में आएंगे और ड्रॉप हो जाएंगे। दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, अब हम VGL को चेक करेंगे, नेगेटिव वोल्ट जो होती है वो यहाँ पर दे रखा है, इसका टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आएगी, देखिए नीचे वाले PF पर यहाँ पर। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, आप मीटर की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ क्योंकि आने से पहले ही सप्लाई एक बार ड्रॉप हो गई है। ये देखिए मीटर की तरफ देखिए ध्यान से, ये देखिए नेगेटिव 2 से 3 वोल्ट आते हैं, 2-3 वोल्ट अगर चल जाते हैं मतलब ये शॉर्टिंग का निशानी है, और जब हमने कट किया है वहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसको लगाना है लेकिन बाद में लगाएंगे, हम इसी को दूसरी साइड में खोजेंगे कि ये पॉइंट है जो हमने कट किया वो सी के भी B1 में, बता देते हो 3 नंबर जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये वाला हमने कट किया है, ये वाला सी के भी, एक मिनट, ये रहा सी के वी B1 वाला। तो इसको चेक करने के लिए
हमको मीटर से कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। पहले सेट हम बंद कर लेते हैं, इससे हमको यहाँ पर स्केच करना है, इनमें से देखना है कौन से पॉइंट इसके साथ मैच करता है और फिर यहाँ से हमको कट करना है। देखिए उसी पॉइंट को हमने ढूंढा है, ये वाला जो हमारा CKB B1 था, तो इधर वाली साइड में यहाँ पर वो मौजूद है। ये कौन सा नंबर है मैं काउंट कर लेता हूँ एक बार, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर यहाँ पर पिन है। देखिए यहाँ पर तो इधर से 13 नंबर वो जो पिन है वही इधर वो का 3 नंबर पिन है जो CKV P1 है। देखिए यहाँ पर ये वाला, इसको चेक करने का एक सिंपल प्रोसेस है। देखिए इसको कॉन्टिन्यूटी पर रखिए मीटर को, और जो हमने पिन कट किया है CKV B1, तो इधर से हमको मीटर से चेक कर लेना है, जो जहाँ पर कॉन्टिन्यूटी आएगा तो वो पिन वहाँ पर काउंट हो जाएगी। देखिए ये देखिए आपका बीप की आवाज़ आ रही है। देखिए ये पिन वाला हमको ऐसे काउंट करनी है, इसी तरह से सीरीज में ही इसी तरह से यहाँ पर इनपुट हो रहे हैं। आप चाहो तो इसको इधर वाली साइड इधर वाली साइड तो हमको यहीं से कट करना पड़ेगा, लेकिन यदि हमको इधर वाली साइड यहाँ से मुश्किल लग रहा है कट करना, तो उसके एक और प्रोसेस से मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए जितनी भी गेट लेंस जितने भी सिग्नल हमारे यहाँ पर इनपुट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला इधर देखिए ये वाले जितने भी सिग्नल हैं, देखिए इसको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जो टेस्टिंग पॉइंट है मान लो 3 नंबर वाला CKV B1 था, ये रहा वो पॉइंट, तो यहाँ से होल से वो यहाँ से होकर इधर जा रहा है, तो उधर वाली साइड के लिए हम यहाँ से बीच में से होल के नीचे से कट करके इसको बाद में जंपर करके देख सकते हैं। मतलब यहाँ से भी कट कर सकते हैं, चाहो तो आपको जहाँ से आसान लगे, यहाँ से भी अच्छा लगे तो ठीक है, यहाँ से काफ़ी आसान मुझे लग रहा है, लेकिन मैं वहीं से कट करूँगा, मुझे यहाँ भी मुश्किल नहीं लग रहा। तो मैं इधर से इसी पॉइंट को मैं कट करने वाला हूँ जो CKV B1 है। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से देख भी पाएँ। ये देखिए हमने इधर से 13 नंबर वाले पिन CKV B1 को जो यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर मेंशन पहले मैं दिखा सकूँ, CKV B1 को दोनों साइड से कट करना, इधर से करके देखा नहीं बना, तो इधर से हमने यहाँ पर ये कट कर लिया है। देखिए ये 13 नंबर यहाँ पर पिन है जो हमने बीच में कट कर लिया, लेकिन फॉल्ट का कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो उसके बाद हमको क्या करना है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है, तो इधर वाली साइड हमको ज़्यादा पॉइंट नहीं कट करने हैं। हम का जो आज का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस है कि हम कम से कम प्रिंट कट करके उस फॉल्ट को निकालने का प्रयास करें। सबसे पहले मैंने जब फॉल्ट निकाला CKV B1 से फॉल्ट निकल जाता है, आज फॉल्ट वो नहीं निकल पाए, दोनों साइड से हमने कट किया, तो उसके बाद की बारी है जो अब बारी है CKV VB2 की, इससे फॉल्ट निकलता है ठीक है, तो उसके बाद नहीं निकलता, तो उसके बाद आएगा बारी हमारा CKV V1 का, फिर भी फॉल्ट नहीं निकलता तो दूसरी साइड में जाकर हमको काटना पड़ेगा CKV V2 को। पहले CKV B1, CKV B2, CKV1 और CKV2 चारों पॉइंट में हम जो फॉल्ट इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हमको कम से कम कट में इस फॉल्ट का सॉल्यूशन हमको ढूंढना है। तो हमारा दोनों साइड में CKV1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन नहीं हुआ तो बारी है CKV B2 को कट करने की, तो उसको एक बार हम कट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने CKV B2 को यहाँ से कट किया है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा ऊपर वाली लाइन में तीसरे नंबर पर। ये देखिए मैं अकेला वीडियो में डिटेल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए और इस तरह फॉल्ट आपको मैं उलझे नहीं, इस तरह फॉल्ट आपको देखने को मिले और इस फॉल्ट को आप आसानी से निकाल सकें। तो ऊपर से 1, 2, 3 नंबर पर है CKV B2 ये वाला, तो इधर हम चल आते हैं। देखिए ये रहा 1, 2, 3 नंबर, ये देखिए 3 नंबर 1, 2 और 3 वाला हमने यहाँ से कट कर दिया है। देखिए यहाँ से ये देखिए
ये है सी के वी बी टू वाला पॉइंट, और ऊपर से यहाँ पर तीन नंबर वाला हमने ये कट किया है। और अभी एक बार फिर सप्लाई देख लेते हैं क्या हमारा इसमें कुछ प्रोसेस हुआ है, प्रोग्रेस अभी हमको मिला नहीं मिला, तो एक बार इसको स्टैंड पे सीलीज करके अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए सी के वी बी टू से हमारा फॉल्ट निकला है, हमने सिर्फ एक इधर वाली साइड, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, सिर्फ तीसरा ही पॉइंट हमने कट किया है। उसके बाद हमारा सप्लाई प्रेजेंट हो चुका है जो वीजीएल आना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, बंद हो चुका सेट, एक बार सेट ऑन है तो ये वहाँ पर आप सप्लाई देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर वीजीएच जो आएगा 30 वोल्टेज प्रेजेंट हो चुका है। जो वीजीएल की बात करें वो भी हमारा नेगेटिव माइनस 9 वोल्ट हो प्रेजेंट हो चुका है। और यहाँ पर एवीडीडी था वो चेक कर लेते हैं एक बार, एवीडीडी है जो हमारा प्रेजेंट हुआ नहीं हुआ, अब उसकी बारी है तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर वो हमारा अवेलेबल है। वीकॉम हमारा आ चुका है, ये रहा हमारा एवीडीडी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो प्रेजेंट हो चुका है 15 वोल्टेज। और बात करें वीकॉम की वो यहाँ पर हमारा 7 वोल्टेज मौजूद हो चुका है, मतलब सभी वोल्टेज बन चुके हैं। तो ग्राफिक्स कुछ ना कुछ आगे डिस्प्ले में आया होगा, पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने इधर से भी कट किया तो ग्राफिक्स अच्छा नहीं बनेगा, पिक्चर तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो आया होगा। देखिए ये देखिए पिक्चर बनाए, लेकिन अभी काफ़ी इसमें लाइनिंग दिख रही है हमको कोने में, देखिए देखिए वाइट पिक्चर हमको दिख रहा है, कोने में आ रहा है पिक्चर। एक बार इसको दे देते हैं वीडियो सिग्नल, जिससे हमको पिक्चर अच्छे से दिख पाए। हमने वीडियो दिया है और पिक्चर देखिए, पिक्चर बना है लेकिन आप देख पा रहे हैं काफ़ी ओवर ब्राइटनेस हमको दिख रही है, बीच में लाइनिंग जब आप देखो ध्यान से देखिए यहाँ पर पिक्चर में काफ़ी लाइनिंग भी आ गई है। तो इसको दूर करने के लिए आपको जो एक साइड में शॉर्टिंग मिली है वो तो ठीक है, जो इस साइड में शॉर्टिंग है वो तो ठीक है, इसको हमको नहीं लगाना, लेकिन इधर हमने एक पॉइंट हमने जो कट किया उसको लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये ओवर ब्राइटनेस की प्रॉब्लम ठीक हो सके और हमको पिक्चर है जो अच्छी क्वालिटी में देखने को मिले। जिस साइड शॉर्टिंग है उस साइड एक या दो प्रिंट एक्स्ट्रा भी कट के कोई मतलब नहीं है, उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग हमारी एक ही पॉइंट से मिली है सी के वी बी टू से, तो उसको तो हमको नहीं लगाना। यदि जरूरत पड़े तो सी के वी बी वन को लगा के देखेंगे। पहले हम पहले लेफ्ट साइड जो हमारा है इधर से हमने एक पॉइंट कट किया, उसका कोई इससे फॉल्ट से लेने देने नहीं है, तो पहले तो मुझे काफ़ी चांस है कि हमारा लेफ्ट साइड में जो हमने प्रिंट कट किया है सी के वी बी वन का, उसको लगाने से ये 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले हम इस प्रिंट को लगाकर इस फॉल्ट को एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्लियर होता नहीं होता, नहीं तो फिर इधर वाली साइड भी सी के वी बी वन को लगा के देखेंगे, जिससे कि हमारा फॉल्ट का सोल्यूशन हो सके। तो दोस्तों हमने जो सी के वी लेफ्ट साइड को हमने कट किया सी के वी वी वन को, सी के वी वी बी वन को कट किया था लेफ्ट साइड में, उसको हमने लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं देखिए उस प्रिंट को हमने दोबारा से लगाया, काफ़ी अच्छे से लगा दिया, देखिए आपके सामने ये रहा, और अदर प्रिंट हमने कोई कट नहीं किया। और इसको लगाने के लिए काफ़ी बारीक से बारीक आयरन, ये एक सायरन का 8 वॉट का आयरन आता है, काफ़ी बढ़िया है, देखिए इसे बहुत अच्छे से लगा पाते हैं। और ये देखिए एक बारीक वायर है आपके पास अवेलेबल होंगी, देखिए रही इसका एक प्रिंट, इसको यूज़ करें, नहीं तो यदि हम बीच में वायर यूज़ नहीं करते तो कई बार क्या होता है कि प्रिंट बाद में छोड़ देता है, मतलब अटैच नहीं रह पाता, तो एक वायर आप बीच में ज़रूर लगाएं। इसको एक बार अभी ऑन करके देख लेते हैं, देखिए सेट हमने ऑन कर किया है, अभी देखिए किस तरह का इंटरफेस है। देखिए दोस्तों डिस्प्ले में अभी कुछ लाइन हमको बिल्कुल भी नहीं दिख रही, मतलब अच्छी क्वालिटी हमको लग रही है, देखिए ब्लू भी आके बिल्कुल अच्छे से आ गई। और हम कोने की बात करें तो जहाँ पर इस साइड में कोने पे बिल्कुल ब्राइटनेस थी, ओवर ब्राइटनेस दिख रही थी, अभी फ़िलहाल वो चली गई है, देखिए। और अब इसको एक बार वीडियो भी लगा के क्लियर करते हैं कि इसमें ब्राइटनेस की प्रॉब्लम कभी कहीं देखने को मिल तो नहीं रही, मुझे लगता है कि ठीक हो चुकी है। वीडियो हमको आउट में यहाँ पर लगाना पड़ गया, सेकंड AV2 में AV1 में टू में लग गया था, देखिए अभी जो लाइनिंग थी दोस्तों बिल्कुल चली गई है और पिक्चर आपके सामने बिल्कुल अच्छे से सेट बन चुका है। देखिए जो नीचे वाली पट्टी में लाइनिंग थी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर,
नीचे डिस्प्ले में लाइनिंग काफ़ी दिख रही थी, अभी बिल्कुल भी वो लाइनिंग हमको नज़र नहीं आएगी। देखिए मतलब कहीं पर भी कोई भी लाइनिंग नहीं है, सेट हमारा बिल्कुल 100% बिल्कुल ओके चल रहा है आपके सामने है। तो दोस्तों ये एक हमारा प्रयास इस LED सेट को किस तरह से कम कटिंग करके, कटिंग मेथड के यूज़ करके कम से कम प्रिंट कट करके हमको बनाना था। जो हमने का प्रयास किया उसमें हम सक्सेस रहे, जैसा कि आपको वीडियो में डिटेल मिल गया होगा। और दोस्तों हमको पता है कि यदि हम कट करते हैं तो हमको कटिंग करना काफ़ी आसान होता है प्रिंट को। ये देखिए 7 से 8 प्रिंट हम कट करते थे पहले, इधर वाली साइड ये नहीं चलती थी तो इसको दोबारा से लगाते थे, फिर दूसरी साइड में कट करते थे। ऐसे ही 7 से 8 प्रिंट कट करके दोबारा लगाना हमको पता है कितना मुश्किल है, और आपको उससे ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा कुछ एक्सपीरियंस बढ़ गया है। लेकिन जो हमारे न्यू टेक्नीशियन है उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में डिटेल दिया कि आप कम से कम 1 या 2 प्रिंट कट करके उस फॉल्ट को कैसे निकालें, हमने इस वीडियो में उसके बारे में पूरा डिटेल दे दिया है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कोई भी आपका सवाल हो या आपको कुछ भी पूछना तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर टाइम लेटेस्ट मॉडल के और पुराने मॉडल के जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो अवेलेबल होते हैं। यदि आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।